जिसको दुनिया शहनशाह हफ्ते अकलीम सैद बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन रहमत तली के नाम से याद करती है और सारी ज़िंदगी इन्होंने एक ही काम किया है कि लोगों को जोड़ा है क्या किया है बोलिए अच्छा लगेगा जोड़ा जोड़ा। हाँ कैसे जोड़ा है इनका रिश्ता खुदा से कर दिया नबी से कर दिया अलिया अल्लाह से कर दिया तो सिर्फ नागपुर जाकर और उस दरबार में हाजरी देकर मोहब्बत साबित नहीं होती है मोहब्बत कब साबित होगी जब उनका जिक्र जहाँ से सुनो उनकी जिक्र की महफिल में आकर बैठ जाओ तो ये उनके मिशन पर अमल भी होगा और फिर यहाँ से मोहब्बत भी साबित होगी इसलिए शायर कहता है कि ताज वाले हैं ताज देते हैं ऐसे नहीं मिल जाता है ताज वाले हैं ताज देते हैं कल नहीं वो तो आज देते हैं ताज ताज वाले हैं ताज देते हैं ताज देते हैं ताज देते देते कल नहीं वो तो आज देते हैं। और मांगने का सलीका गर हो नजीर मांगने का सलीका गर् हो, गर हो नजीर दोनों जहां में वो राज देते हैं सुन्नत मांगने का सलीका गर हो नजीर दोनों वा, जहां में वो राज देते हैं फिर कहीं से भी मांगो मांगने का सलीका होना चाहिए होनी होनी चाहिए, होनी चाहिए, मोहब्बत फिर आप यहां से भी मांगोगे तो ये मेरा विजदान कहता है कि सुनेंगे और नवाजेंगे भी सुनेंगे तो उस शख्सियत का तस्करा करने के लिए आज हम बैठे हैं तो इस मस्जिद के अंदर न्यूटन की मस्जिद नूरी कहलाती है इस जगह आपने प्रोग्राम रखा तो रखने से पहले इतना हुई पम्पलेट छपाया गया लोगों को दावतनामा भेजा गया तब जाके आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए क्योंकि फ़ला तारीख को फ़ला दिन फला वक्त में सरकार ताज़ुल अलिया का जश्न मनाया जाएगा उनकी सीरत बयान की जाएगी तो ये सारी चीज़ें आप तक पहुँची तब जाकर आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं और यहाँ सीरत समात कर रहे हैं मगर आइए अल्लाह तबारक वाली ने अलिया को वो मरतबा अता फरमाया है कि इस रुए ज़मीन पर जितने भी औलियाँ हैं उसमें से अगर 75 परसेंट कह दिया जाए तो ये हमारा नसीबा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर है हिंदुस्तान की सरजमीन पर है वो अब निज़ामुद्दीन कह लो वो अलाउद्दीन कह लो वो हमीदुद्दीन कह लो वो कुतुबुद्दीन कह लो या फिर ताजुद्दीन कह लो ये सारे के सारे दीन अल्लाह तबारक तला का करम है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं और हम इनके मानने वाले हैं तो ये 75 परसेंट जब इनका उर्स आता है तो हम देखते हैं कि कोई पॉम्पलेट छपाया नहीं जाता है कोई दावतनामा दिया नहीं जाता है ऑटोमेटिकली जब इनकी विलादत या वफात की तारीख आती है तो इनके दीवाने इनके मानने वाले ऑटोमेटिकली उनकी जानब खिंचे चले जाते हैं हम यहाँ आ रहे हैं तो दावतनामा देखा पैलेस को देखा जगह को देखा उसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं मगर जब इन बुजगान दीन का और और योम विलादत आता है तो फिर यहाँ पर दावत दावतनामा देखा नहीं जाता बे दावत ये आशिके औलिया उस जानब खिंचे चले जाते हैं तो बात समझ में नहीं आई इनको बताता कौन है इनके दिल में ये बात आती कैसी है तो आइए इसका जवाब भी हम हवा में नहीं कहेंगे इसका बात और ये जो दीवान गाने रसूल और ख्वाजा और दीवान गाने ताजुल औलिया खींचे जा रहे हैं इसकी खबर भी हमें किसी और ने नहीं हम तमाम के आका व मौला ने दी है बुखारी शरीफ की हदीस हजरत अबू हुर अल्लाह तावी है फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक वाल को किसी से मोहब्बत हो जाती है अल्लाह तबारक वाल को किसी से मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत की बिना पर उस शख्स को रब अपना दोस्त बना लेता है अपना वली बना लेता है तो वली बनाने के बाद हजरत जबरील को तलब करता है और जब हजरत जबरील बारगा खुदाबंदी में हाजिर होते हैं तो अल्लाह तबारा फरमाता है ए जबरील फला बिन फला बंदे से उसका नाम भी आता है उसके बाप का नाम भी आता है और रब जबरील से फरमाता है कि ए जबरील फला बिन फला बंदे से मुझे मोहब्बत हो गई है मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया है ए जबरील तुम भी उससे मोहब्बत करो ए जबरील तुम भी उससे मोहब्बत करो तो फिर हदीस करीमा के अल्फाज हैं कि हजरत जबरील भी कहते हैं कि मौला जिससे तुझे मोहब्बत हो गई है जबरील भी उससे मोहब्बत करता है अब हुक्म होता है कि ये जिब्रील तमाम आसमान के फरिश्तों में निदा कर दो कि फला बिन फला बंदे से अल्लाह तबारक ताला को मोहब्बत हो गई है ए फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो तो अब जबरील जाते हैं इसराफेल को खबर देते हैं इसराइल को खबर देते हैं मिकाइल को खबर देते हैं हत्या के आसमान पे जितने फरिश्ते हैं तमाम को खबर देते हैं और कहते हैं कि रब कायनात को फला बिन फला बंदे से मोहब्बत हो गई है आसमान के फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो तो फिर आसमान के फरिश्ते भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं उसके बाद हुकुम होता है जबरील जमीन की तरफ जाओ और जमीन में जितने फरिश्ते हैं तमाम को ये खबर दे दो कि फला बिन फलाह बंदे से अल्लाह तबारक वाल को जबरील को आसमान के फरिश्तों को उससे मोहब्बत हो गई है इस जमीन के फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो अब जमीन में ये निदा की जाती है तो जमीन पर जितने फरिश्ते हैं तमाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं अब जब आसमान के फरिश्ते हजरत जबरील जमीन के फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं तो रब कायनात ये करम करता है कि शुरू जमीन पर जितनी मखलूक है सिर्फ इंसान नहीं जानवर जिन्नात और जितने किस्म की मखलूक है तमाम के दिल में रब कायनात उस बंदे की मोहब्बत को बेदार फरमा देता है तो पता चल गया बात साबित हो गई कि आज जो उमड़ते हुए सैलाब की तरह हजरत बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में जा रहे हैं ये यूं ही नहीं जा रहे हैं रब्बे कायनात ने उनके दिल को हजरत बाबा ताजुद्दीन की दरगाह की तरफ मुतवज्जा कर दिया है इसलिए बेसाख्ता मोहब्बत में वो हजरत बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में खिंचे चले जा रहे हैं खिंचे चले जा रहे हैं तो जब रब्बे कायनात किसी को पसंद फरमा लेता है किसी को अपना नेकोकार बंदा बंदा बना, बना लेता है तो इस रूए जमीन पर जितनी मखलूक है तमाम के दिल में उसकी मोहब्बत को पैदा फरमा देता है और आइए एक सबूत और लेके चले लोग कहते हैं कि यार अल्लाह का वली तुमने कैसे बना दिया किस चीज को देख कर बना दिया कैसे बना दिया लोग कहते हैं ना बाबा ताजुद्दीन ऐसे थे वैसे तुमने सुन्नी ने वली बना दिया तो इसकी खबर भी मेरे नबी ने दी है कि वली होता कौन है वली होता कौन है हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला सुनाए नसाई की हदीस करीमा है और दिगर हदीस की कुतुब के अंदर ये हदीस है और रावी हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला है आप फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि साहबा इकराम बैठे हुए थे साहबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताए कि वली की पहचान क्या है वली की पहचान क्या है वली को पहचाने कैसे तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है मेरे साहबा सुनो सुनो वली वो होता है कि जिसके चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाए जिसके चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाए असल मायनों में वही अल्लाह का वली है अब आइए जब आप मजार शरीफ जाते हैं तो क्या करते हैं जैसे ही मजार शरीफ जाते हैं बेसाख्ता आपकी जबान पे तिलावत कलामुल्ला आता है जब आप अल्लाह के वली की मज़ार पे जाते हैं बेसाख्ता आपके लबों पे जिक्र खुदा जिक्र नबी आता है तो जब जिक्र खुदा जिक्र नबी आपकी जबान पे आ जाए और खुदा याद तो यही तो निशानी है कुरान पढ़ोगे तो खुदा याद आएगा जिक्र करोगे तो खुदा याद आएगा नाते नबी पढ़ोगे तो रसूल याद आएंगे तो जिस चीज जिस जि जगह जाने से अल्लाह और उसका रसूल याद आ जाए असल मायनों में वही तो अल्लाह का वली है तो मेरे नबी ने बरसों पहले खबर दे दी अल्लाह का वली वो होता है जिसको देखकर खुदा याद आ जाए तो जिसको देखकर खुदा याद आएगा वही अल्लाह का वली होगा पहचान बता दी है तो जब अल्लाह के वली को देखोगे तो खुदा याद आएगा खुदा याद आएगा तो नमाज याद आएगी खुदा याद आएगा तो रोजा याद आएगा खुदा याद आएगा तो फिर जितने ने कायनकाम नाजिल फरमाए सब याद आएंगे इसी इसी का नाम वली है कि वली तुमको रब कायनात की अहकाम की तरफ मुतवजे कर दे वही असल मायनों में अल्लाह का वली है मगर आज वली के नाम पे बहुत घूम रहे हैं ये नहीं कि दस उंगली दस उंगलियों में दसों अंगूठी पहन ले और कहे कि मैं अल्लाह का वली हूँ बड़े बड़े बाल लगा ले और कहे कि मैं अल्लाह का वली हूँ और फिर लोग उसकी तरफ मुतवजे हो और फिर वो अल्लाह का जिक्र ना कराए क्या करे सट्टे का नंबर दे लॉटरी का नंबर दे और फिर लोग उसको कहें कि अल्लाह का वली है तो ये असल मायनों में अल्लाह का वली नहीं होता है अल्लाह का वली वो होता है जिसको देख कर खुदा याद आ जाए खुदा का जिक्र जबानों पर आ जाए तो उसी एक वली में एक वली है जिसको रुए जमीन और दुनियाए इंसानियत मोहम्मद ताजुद्दीन अली रहमा के नाम से याद करती है आपका नाम मोहम्मद है क्या है जब सीरत बयान की है तो बिल्कुल बारीकी से समझे चंद मिनटों में हजरत बाबा ताजुद्दीन ये लकब है ताजुद्दीन नाम क्या है मोहम्मद बोलिए याद रहेगा अभी तक आप सिर्फ उर्स तक जाते हो फातिया पढ़ के आते हो मगर वो शख्सियत वहां लेटी है लोग उस तरफ मुतवजे हो रहे हैं क्या वजह है कि आज सौ साल एक सौ साल गुजरने के बाद उनका जिक्र यहां करने बैठे हैं हम कुछ तो किया होगा उनने तो क्या किया है उनकी सीरत में समाज करें और वो अल्लाह के वली बने कैसे नाम आपका मोहम्मद क्या है मोहम्मद आपके वालिद का नाम बदरुद्दीन क्या है बोलिए क्या नाम है बदरुद्दीन और आपकी वालदा का नाम है सैदा मरियम बीबी क्या नाम है सैदा मरियम बीबी आपका जो खानदान है आप नजबुन इन सैयद है हसनी हुसैनी सैयद हैं आपका सिलसिला हजरत इमाम हसन से लेकर सरकार तक पहुंचता है और हजरत इमाम हुसैन से लेकर सरकार तक पहुंचता है और आपके जितने खान वादे के लोग हैं तमाम अरब के थे कहा के अरब के अरब में से बाईसवीं पीढ़ी में आपके परदादा के परदादा मद्रास में आकर बसे कहाँ बसे मद्रास कहते हैं उसको इंग्लिश में या हिंदी में जो भी है आज वो चेन्नई कहलाता है क्या कहलाता है वो इलाका क्या कहलाता है चेन्नई कहलाता है नाम चेंज हो गया उसका। उस दमाने में मद्रास नाम था उसका, वहां पर आकर बस गए और वहां से बसने के बाद आपकी नस्ल चली और नस्ल चलते चलते आपके जो लकड़ दादा हैं वो मद्रास से निकलकर अहमदाबाद तशरीफ ले हैदराबाद तशरीफ लेकर आए और हैदराबाद में आकर आप मिलिट्री में भर्ती हुए और जब मिलिट्री में भर्ती हुए तो आपने मिलिट्री में अपनी जिंदगी गुजार दी उसके बाद जो हजरत बाबा ताजुद्दीन के दादा थे आपके वालिद के बाद वो मिलिट्री में भर्ती हुए यानी आपके लकड़ दादा के, के बाद आपके दादा दा और फिर आपके दादा के बाद आपके वालिद तो आपके जब दादा मिलिट्री में भर्ती हुए तो आप हैदराबाद से निकलकर कामटी की सरजमीन पर तशीफ लेकर आ गए कामटी जानते आप सब ना इलाका है मिलिट्री इलाका कहलाता है तो कामटी की सरजमीन पर आपके दादा ने मिलिट्री की नौकरी की उसके बाद वो नौकरी आपके वालिद बदरुद्दीन को मिली तो आपके खानवांदे के जितने लोग थे अक्सर लोगों ने नौकरी की है तो मिलिट्री की नौकरी की है फौज में भर्ती रहे इसी बिना पर सरकार ताज़ुल ओलिया भी फौज में तशरीफ लेकर गए थे तो सन बारह सौ उन्यासी हिजरी ये सन ने विलादत सरकार बाबा ताजुद्दीन का है पांच रजबुल मुरजब कितना पांच रजबुल मुरजब बारह हिजरी उन्यासी हिजरी बाबिक सत्ताईस जनवरी जब बाबा ताजुद्दीन का बर्थडे मनाते हैं इंग्लिश तारीख के हिसाब से बा मुताबिक सत्ताईस जनवरी अठारह इकसठ ईस्वी में आपकी विलादत कामटी की सरजमीन पर होती है और हसन इमाम हुसैन की तरफ से आपकी वालदा का सजरा जो है आपकी वालदा की तरफ से इमाम हसन से जाकर मिलता है इमाम हुसैन से जाकर मिलता है और वालिद की तरफ से आपका सजरा नसब इमाम हसन की जानब जाके मिलता है तो आप हसनी हुसैनी सैयद है तो जैसे ही आपकी विलादत हुई तो तारीखों में आता है कि आपने रोया नहीं आपने रोया नहीं तो उस जमाने में जब बच्चा नहीं रोता था तो गुमान कर लिया जाता था कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है आज भी बच्चा रोता नहीं है मगर आज टेक्नोलॉजी है बड़ी बड़ी मशीनें हैं तो उस ज़माने में क्या होता था कि जब बच्चा नहीं रोता था तो जो दाइया होती थी वो थोड़ा तशद्द करती थी यानी चिमटी लगाना या पीठ ठोकना या पैर के पंजों पर मारना कि हो सकता है कि बच्चे ने नहीं रोया है अगर जान है तो हो सकता है इससे रो दे तो सारी चीज़ें सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए मगर बाबा ताजुद्दीन ना आँख खोली ना आपकी आवाज आई और सांस का भी पता नहीं चल रहा था तो लोगों ने गुमान कर लिया कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये मुर्दा पैदा हुआ है तो एक आखिरी हरबा होता है कि जब सारी नाकाम चीज हो जाए तो उस जमाने में क्या चलता था कि सिक्के को गर्म कर कर और जिसम में दागा जाता था कि उसकी गर्मी से अगर बच्चे में जान है तो वो रोने लगे तो यही मामला किया तो यहाँ पर जो सूफिया फरमाते हैं कि जब बाबा ताजुद्दीन पैदा हुए तो मादरजाद वाली तो आप जब पैदा हुए तो आपका ख्याल लोगों की जानिब नहीं इस बच्चा जब पैदा होता तो उसका ख्याल दुनिया में रहता है मगर आप खामोश इसलिए थे रोए नहीं थे कि आप पैदा तो हो रहे हैं मगर जहन अल्लाह तबारा की तरफ है दुनिया से मतलब नहीं है सूफिया ने यह बयान किया तो जब वो सिक्के को गर्म कर कर आपकी पेशानी पे दागा गया तो फिर आपने रोए तो रोने से पता चला कि नहीं बच्चे में जान है तो जब आप पैदा हुए तो आपकी वालदा और आपके वालिद उस जमाने में हयात थे मगर एक साल या चंद महीने की उम्र थी तो हजरत बाबा ताजुद्दीन के वालिद साहब का इंतकाल हो गया अब आप परवरिश पा में बड़ी तेजी के साथ चल रहा हूँ इसमें आपकी विलादत में बहुत सारी चीजें मगर इतना वक्त नहीं है कि उसको सर हर चीज को आपको बयान करता चलो सीरत बयान कर रहा हूँ आप परवान चढ़ने लगे छः साल की जब उम्र हुई आपकी तो आपकी वालदा का भी इंतकाल हो गया तो छः साल की उम्र में आप आपके नाना की किफ़ावत में चले गए आपके नाना का नाम था हज़रत मीर अली शाह ये भी पाए के बुजुर्ग थे और सैयद ज़ादे थे तो आपके आपके नाना का नाम याद रखेंगे क्या नाम है हज़रत मीर अली शाह क्या नाम है हज़रत मीर अली शाह और आपकी नानी का नाम है सैदा साजिदा बी आपकी नानी का नाम क्या है सैयदा साजेदा भी ये नसबनामा याद रखना शरीर बाबा ताज के नारे लगाने से कुछ नहीं होता सीरत भी याद रखी जाती है उनकी सीरत कि जिंदगी में ऐसा क्या किया कि हम उनका जिक्र कर रहे हैं तो छह साल की उम्र में आपने वालदा अपने हयात में आपको मदरसा भेजा जब आप मदरसा पढ़ने जाने लगे तो आपकी वालदा का साया भी आपके सर से चला गया तो आप अपने नाना की किफालत में आ गए और नाना आपकी किफालत करने लगे तो आप मदरसा पढ़ने जाया करते थे करीबी मदरसा था मकतब था तो जब आप मदरसा पढ़ते पढ़ने लगे तो चंद महीने मदरसा पढ़ने को हुए थे कि एक मजजूब उस जमाने के उस मदरसे में तशरीफ लेकर आए और उनका नाम बताऊं आप सब उस बारगाह में गए होंगे और जानते होंगे कामटी की सरजमीन पर उनका मकबरा स्टेशन के जस्ट बाजू में है जिसे हजरत अब्दुल्ला नौशाही अलैह कहते हैं ये रूहानी तौर पर हजरत बाबा ताजुद्दीन के उस्ताद हैं क्या है रूहानी तौर पर हजरत बाबा ताजुद्दीन के उस्ताद हैं तो उस समय कामटी की सरजमीन पर आप हयात थे और लोग आपको जानते थे कि आप अल्लाह के वली हैं आलम जज्ब में रहते थे आप तो एक बार घूमते हुए आप मदरसे में पहुंच गए अब जब मदरसे में पहुंचे तो मेहमान रसूल बैठे हुए थे तो बड़ी शफक्त के साथ आपने देखा एक एक पे नजर डाली और देख कर आप मुस्कुराए सबको और जब देखते देखते सैयद बाबा ताजुद्दीन के पास पहुंचे तो एक निगाह ऊपर से नीचे हजरत बाबा ताजुद्दीन को देखी और देखने के बाद उस्ताद को आवाज़ दी कि उस्ताद कहाँ हो इधर आओ तो आप आए तो कहा ये बच्चा कौन है तो कहा फला फला का बेटा फला फला का नवासा है का नाम क्या है का लोग इसे ताजुद्दीन कहते हैं मोहम्मद ताजुद्दीन कहते हैं तो वो हजरत अब्दुल्ला नौशाही मुस्कुराए और कहा है उस्ताज पढ़े हुए को पढ़ा रहे हो पढ़े हुए हुए को पढ़ा रहे हो ये तो अजल से पढ़ के आया है ये अजल से पढ़ के आया है यानी वहां आपने आपका राज खोला और बता दिया कि ये मादरजाद वली है और रब्बे कायनात ने इसे इलम्न अता फरमाया है इल्मे लदुन्नी अता फरमाया है जब उस्ताद ने ये देखा तो कहा ये पढ़े हुए तो पढ़ाने की क्या जरूरत है ये कहकर हजरत अब्दुल्ला नौशाही चले गए और तुमको तो तुम पढ़ाने से क्या मतलब मगर हजरत बाबा ताजुद्दीन ने कहा कि रब ने मुझे बातिनी इल्म दिया है अगर मैं आज नहीं पढ़ूंगा तो मेरे मानने वाले कैसे पढ़ेंगे तो उनको बताने के लिए तालीम देने के लिए उस्ताद पढ़ने पढ़ाने से इनकार करते थे मगर आप फिर भी मकतब जाते थे और आपने छह साल की उम्र से लेके बारह साल की उम्र तक आपने हर उलूम पे महारत हासिल की में भी थे। आप इल्म में भी थे। कि आपने अंग्रेजी रियाजी और दुनियावी पढ़ाई कभी महारत हासिल की थी आपने तो आपने दुनियावीम भी सीखा आपने दीन उलूम भी सीखा और नौ साल की उम्र जब आपकी हुई तो आपके नाना का साया भी आपके सर से उठ गया तो आप अपनी नानी की किफालत में आ गए नानी की किफालत में जितना इल्म, इल्म -दीन की अंदर था, जो, जो जाहिर इल्म होता है वो भी आपने सीख लिया और सीखने के बाद वापस आप अपनी नानी की किफालत में आ गए मगर जब आप अपनी नानी की किफालत में आए है ना मदरसे पढ़कर तो उस वक्त से लेकर बारह साल की उम्र थी आपकी आप पे आलम जज्ब तारी हुआ वली की दो किस्में होती है कितनी किस्में कितनी किस्में होती है दो एक को वली सालिक कहा जाता है क्या कहा जाता है वली सालिक कहा, कहा जाता है और एक को वली मजूब कहा जाता है और यह मंजिल कैसे हासिल होती है अब इसकी तशरी मेरे पास नहीं बस आलम गिना देता हूं एक होता है आलम नासूत एक होता है आलम मलकूत एक होता है आलम जबरूत एक होता है आलम लाहौत और एक होता है सैर और फिर होता है सैर फिल्ला जब ये पांच मकाम गुजारने के बाद एक अल्लाह का वली सैर फिल्ला में पहुँचता है यानी ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह अल्ला ही अल्ला। तो वहाँ पहुँचने के बाद उस अल्लाह के दोस्त के अकलो होशो हवा हजब कर लिए जाते, है। जाते हैं हजब कर लिए जाते हैं अब वहां पर वो उसको पता नहीं रहता मैं कहां पर हूं मगर वो रब्बे कायनात के करीब होता है रब्बे कायनात के सामने होता है रब्बे कायनात से गुफ्तगू करता है अब वहां पर सारी मंजिल खत्म ये दोनों मनसब खत्म अब रब्बे कायनात उससे पूछता है बंदे तुझे कौन सा मनसब चाहिए अगर वो चाहता कि मुझे वली सालिक बनाकर दोबारा मुझे होशो हवास इस खलके खुदा खुदा जो रब कायन ने आलम बनाए हैं इसकी खिदमत के लिए भेजा जाए तो रब कायनात उस आलम में उसे अकलो होशो हवास लौटाता है और फिर वली सालिक बनाकर भेजता है तो कभी ओस आजम बनकर आते हैं कभी ख्वाजा गरीब नवाज बनकर आते हैं कभी निज़ामुद्दीन बनकर आते हैं और कभी कुतबुद्दीन बनकर आते हैं कभी बाबा फरीदुद्दीन बनकर आते हैं और फिर अगर होशो हवास वो चाहता कि नहीं मैं तो इसी चीज में गुम रहना चाहता हूँ बस मुझे अपना होशो तूने छीन लिया अब छीन ले मैं तो तेरे ही इसमें होशो तेरे ही इसमें रहना चाहता हूँ बस अल्लाह ही अल्लाह तो फिर वो कभी साबिर कलियरी बन जाते हैं कभी वारिस पिया बन जाते हैं कभी ताजुद्दीन बन जाते हैं तो ये किस्म है तो बाबा ताजुद्दीन एक ऐसी शख्सियत है अब इसे समझे कि रब्बे कायनात ने दोनों मनसब से सरफराज फरमाया था बाबा ताजुद्दीन एक वाहिद अल्लाह के वलियों में एक ऐसी शख्सियत है कि आपको दोनों मनसब अता फरमाए थे यानी आप आलम जज्ब में रहते हुए लोगों को राह सुलूक की मंजिलें तय फरमाया करते थे यानी निगाह डालते तो अल्लाह तबाक ताला भी उसे अल्लाह का वली बना दिया करता था यह मामला हजरत बाबा जब आप पढ़कर आए तो पढ़ के आने के बाद अगर मदरसे का बच्चा होता है तो कभी उसे खेलना भी होता है कभी दोस्तों के साथ वक्त गुजारना भी होता है तो जब आप पढ़कर आए ना अपने घर पे तो एक गोशा नशी हो गए कोने में बैठे रहते आग बंद कर कर और कभी आग खुलती तो घंटों आसमान की तरफ देखते रहते ये आपका मामला था तो आपके नानी ने कहा कि बेटा कभी दोस्तों के साथ बाहर जाया करो उनके साथ सैरो तफरी किया करो खेला करो मगर आप खामोश रहते आप कुछ नहीं कहते बस इसी कैफियत में रहते फिर ये हुआ मामला कि जब आपकी उम्र तेरह साल की हुई सिर्फ तेरह साल की उम्र में यकायक यक यक आप गायब हो गए आप घर से निकले और गायब हो गए अब जब गायब हुए हैं तो बड़ा ढूंढा ढूंढ दून मचा कि ताजुद्दीन कहाँ चले गए कहाँ चले गए ढूंढो इनको तो आपके मामू थे अब आपकी नानी की किफालत में थे आपके नाम मामू थे जिनका तारीखों में नाम रहमान आया है तो आपने पेपरों में आपकी तस्वीर और नाम शाया किया और इनाम भी रखा कि जो ताजुद्दीन को ढूंढ कर लेके आएगा उसे इनाम दिया जाएगा मगर ये तो अल्लाह की राह में गुम थे कौन ढूंढ सकता, सकता था तो तारीख निगारों ने किताबों में लिखा है कि आज अब तेरह साल की उम्र से कामटी से निकले तो उस वक्त में छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ नहीं था वो इलाका ही नहीं था वो उस वक्त महाराष्ट्र में या एमपी में शामिल था उस वक्त में वो तो जो छत्तीसगढ़ का जंगल पड़ता है उस जंगल में आप रब कायनात की इबादत में मशगूल हो गए एक झाड़ के नीचे तो तारिक निगारों ने लिखा है कि वो जिस जगह पे आप कयाम फरमा थे वो आदिवासियों का इलाका था और वहाँ पर जादू टोना जो उनका पेशा था वो जादू टोना किया करते थे किसी को अच्छे तरीके से सुधार देना या बिगाड़ देना वही उनके कमाई का जरिया था तो जादू टोना करते थे मगर जब सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ल उस जंगल में तशरीफ लेकर गए तो वो जो जादू करते वो असर ही नहीं करता तो बड़े परेशान हुए बड़े परेशान हुए कि इतने सालों से हम जादू कर रहे हैं हमारा जादू फौरन असर करता था मगर हम देख रहे हैं कि अब तो हमारा जादू असर ही नहीं करता वजह क्या है तो वजह मालूम करने के लिए अपने एतराफ में निकले कि ढूंढो वजह क्या है जब वजह ढूंढी तो देखा कि एक जंगल के अंदर पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो समझ गए जो आज हमारा जादू काम नहीं कर रहा हो ना हो वजह यही है वजह यही है तो ये अपने सरदार के पास गए कहा सरदार हम इतने सालों से जादू करते आ रहे हैं मगर हमारा जादू कभी फेल नहीं हुआ मगर हमने देखा कि एक बुजुर्ग जंगल में आकर बैठे हैं जिनकी वजह से हमारे जादू काम करने बंद कर दिए हैं तो कहा जाओ जो माहिर है जादूगरी में उनको लेकर जाओ और उस बुजुर्ग को खत्म कर दो अपने जादू से अब सरकार बाबा ताजुद्दीन आंख बंद करके पेड़ के नीचे अब ये गए अपने माहरीन को लेकर और माहरन को लेकर जितने बड़े बड़े जादू थे सब हजरत बाबा ताजुद्दीन पे आज़मा लिए तो तारीख निगारों ने लिखा है कि जो कैफियत के साथ वो जादू करते कि इन पर असर हो वही कैफियत पलट के इनके ऊपर हो जाती अगर वो चाहते कि हाथ अलग हो जाए तो जादू पलट कर इनके ऊपर आता हाथ अलग हो जाता अगर ये कहते कि पैर में दर्द हो जाए तो पलट कर इनके ऊपर आ जाता तो ये बड़े परेशान हुए बड़े परेशान हुए और जब थक गए तो फिर अपने सरदार के पास गए सरदार जादू तो कोई असर कर ही नहीं रहा है तो अब सरदार आया और सरदार ने जैसे ही देखा तो चेहरा नूरानी तो कहा ये पहुंची हुई शख्सियत है इन पर कोई जादू असर नहीं करेगा अब क्या किया उसने अब समझ गया तो क्या किया कि अभी आंख नहीं खोल रहे हैं इनकी बारगाह में इनको बोलने की जरूरत नहीं कर सकते तो उसने हर दो घंटे में अपने दो मुलाजिमों को लगा दिया कि जैसे ही सरकार बाबा ताजुद्दीन आंख खोले मुझे बुला लिया जाए मैं इनकी बारगाह में आऊंगा तो तारिक नगार बयान करते हैं कि सरकार बाबा ताजुद्दीन जो आंख कर नीचे मुराके में मुंडी डाली तो दो साल गुजर गए कितने साल गुजर गए दो साल गुजर गए आपने आंख ही नहीं खोली ना भूख ना प्यास लोग कह सकते हैं कि यार एक भूख प्यास से दो साल इंसान कैसे जिंदा रह सकता है तो एक तारीख बताऊं, रब्बे कायनात ने हजरत ईसा सलाम को चौथे आसमान पे उठा लिया आज सदिया गुजर गई हजरत ईसा सलाम भूखे प्यासे। एक ऐसे मकाम पर है जहाँ खाना नहीं है मगर एक रूहानी तौर पर रब कायनात खाना अता फरमाता है पीना अता फरमाता है तो ये तो गुलामों की गुलाम ये तो सरकार के गुलामों के गुलाम है और उनकी खानदान से हैं तो जाहिर तौर पर तो लोगों को लग रहा था कि ये भूखे प्यासे हैं मगर मेरा रब अपने अप बंदों को खिलाता और पिलाता है तो दो साल तक आपने कुछ खाया पिया नहीं लोग वहां देखते रहे आपको दो साल के बाद आपने आंख खोली और जैसे ही आंख खोली तो लोगों ने अपने सरदार को बुलाकर लेकर आया तो जैसे ही सरदार आया तो सबसे पहला सवाल किया आपने किए लोग तुम्हारा जादू मुझ पर असर क्यों नहीं किया जानते हो पहला सवाल अब यहां से तबली के दिन देखो तुम्हारा जादू मुझ पर असर क्यों नहीं किया जानते हो तो का नहीं जानते तो का सुनो मेरे पास ईमान जैसी दौलत है मेरे, जैस, मेरे पास ईमान जैसी दौलत है और ये ईमान कामिल मेरे पास है इसी बिना पर रब तुम्हारा जादू मुझ पर काम नहीं किया और अगर तुम चाहते हो कि कोई मुसीबत तुमसे दूर रहे तो तुम भी मेरे नाना का कलमा पढ़ दो मेरे नाना तेरह साल चौदह पंद्रह साल की उम्र में दो साल गुजरने के बाद पंद्रह साल की उम्र में जब आपने ये बात कही है ना तो वहां जितनी बस्ती थी तमाम की तमाम लोग आपके हाथ पर ईमान लाकर मुसलमान हो गए मुसलमान हो गए अब जब मुसलमान हुए हैं ना तो फिर आपने उनकी तबलीग करने के लिए दीन समझाने के लिए दो साल और उस जंगल में क्याम किया और दो साल कयाम करने के बाद आपने उन्हें दीन समझाया और फिर पलट कर आप कामटी की सरजमीन पर तशरीफ लेकर आए अब जब कामटी की सरजमीन पर आप तशरीफ लेकर आए तो उसमें तारीखों में आया है कि आपके मामू ने आपको मिलिट्री में भर्ती करवा दिया मगर मिलिट्री में आपका अजीब अंदाज था अगर आपका हेड बोलता दाएं मुड़ तो आप बाएं मुड़ते वो बोलता अटेंडेंस तो आप बैठ जाते वो कहता पीछे मुड़ तो आप आगे जाते अजब कैफियत थी आपकी क्योंकि में जज्ब में आप रहते थे तो वो कैप्टन जो था उसने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया तो आप चंद महीने या चंद साल आप कामटी की मिलिट्री कैंप पर रहे उसके बाद आपका तबादला सागर की सरजमीन पर हो गया आपने बहुत सारे वाक़ में ये इसलिए सुना रहा हूं कि ये पहली मरतब आप सुन रहे होंगे इससे पहले वाक़ बहुत सुने होंगे आपने मगर ये मैं तरतीब से बता रहा हूँ कि अभी आपकी उम्र अठारह साल की है सत्रह या अठारह साल की और आपका तबादला सागर की सरजमीन पर हो गया तो सागर की सरजमीन पर जब आपका तबादला हुआ है ना तो वहाँ पर जो मामला होता कि आपको दिन की ड्यूटी दी गई थी तो आप दिन में ड्यूटी करते और जब ड्यूटी ख़त्म होती तो अपनी क्वार्टर पे नहीं जाते खाना नहीं खाते आप वहाँ से निकलते और निकलने के बाद एक दरगाह है आप गए होंगे तो जाने होंगे जिनको पीली कोटी हजरत दाऊद मक्की अली रहमा के नाम से जाना जाता है दाऊद मक्की अली रहमा के नाम से आप सरकार बाबा ताजुद्दीन से 400 साल पहले के हैं वो गालिबा चार पाँच या 600 साल पुरानी दरगाह है वो जो सागर में हजरत दाऊद मक्की अली रहमा की और वो भी रूहानी तौर पर हजरत बाबा ताजुद्दीन के पीरो मुर्शिद है तो आप उस हज़रत दाऊद मक्की अली रहमा की दरगाह में बैठ कर रात रात भर जिक्र अस्कार करते रहते रात रात भर मुजाहिदे मुशाह और मुराकबे करते रहते तो जब कई दिन गुजर गए तो मिलिट्री कैम्प में खबर पहुंची कि बाबा ताजुद्दीन का मामला ये है कि ये दिन में काम करते हैं और रात में ये निकल जाते हैं इनका पता नहीं रहता तो कई लोगों ने पीछा किया बताया तो ये तो फ़ला फला, फला दरगाह पर जाते हैं और रात रात भर बैठे रहते हैं तो फिर जो कैप्टन था उसने आपकी नानी को खत लिखा कि आप आइए समझाइए कि हमने उन्हें नौकरी करने बुलाया है न कि दरगाह में बैठने के लिए जब आपकी नानी आई नानी ने समझाया आप समझ गए वापस नौकरी पर लौट गए मगर एक बार मामला ये हुआ कि अब ये रात रात भर बैठे रहते हैं तो कैप्टन ने क्या किया आपकी नौकरी नाइट वाली लगा दी नाइट वाली नौकरी लगा दी आपकी और नाइट वाली नौकरी भी लगाई तो कहाँ ऐसी जगह पर जहां पर एक पलक भी नहीं झपक सकते जहां पर बंदूक असला बारूद ये सारी चीज रखी रहती है उस जगह पर आपकी ड्यूटी लगा दी कि अगर ये चोरी होता है तो इसकी जिम्मेदार आप होंगे तो आप बखुशी वहां पर ड्यूटी में लग गए वो ड्यूटी करने लगे अब रात का मामला था तो एक मरतबा क्या हुआ कि जो नाइट कैप्टन है वो गश्त करने के लिए आए देखूंगी सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो ये आया और आने के बाद हर बाबा ताजुद्दीन कहता है और ताजुद्दीन बढ़िया फर्स्ट क्लास हाँ कैप्टन बढ़िया है ये कहकर वो चला गया अब जब वो जाने लगा तो उसी जहाँ पर आप नौकरी कर रहे थे उसके आगे में एक छोटी सी मस्जिद थी जब ये कैप्टन आपसे गुफ्तगु करके आगे बढ़ा ना तो देखा कि रोशनी आ रही है मस्जिद से चिराग जल रहा है और कोई बंदा वहाँ इबादत कर रहा है तो ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि देखूं कि है कौन जब ये आगे बढ़ा और मस्जिद के करीब गया और झांक कर देखा तो पता चला कि इबादत कोई और नहीं बाबा ताजुद्दीन कर रहे हैं अब ये परेशान ये था घोड़े पे और मस्जिद से जहां असला बारूद रखा था उसकी दूरी काफ़ी थी कब मैं घोड़े पर हूँ मैं इतनी जल्दी आ गया ये पैदल इतनी जल्दी तो नहीं आ सकते तो ये वापस मोड़ा और वापस मुड़ने के बाद फिर उस जगह पे पहुंचा देखा बाबा ताजुद्दीन वहां भी है फिर ये आया और फिर आने के बाद वहां देखता है तो ये बाबा ताजुद्दीन कर रहे हैं अब ये बड़ा परेशान बड़ा परेशान ये कि मामला क्या है अब ये परेशान है कुछ बोल तो नहीं सका तीन चार चक्कर लगाया चक्कर लगाने के बाद वापस चला गया अब जब वापस गया तो सुबह हरबड़ी में उठा और अपने मेन कैप्टन हेड के पास गया और कहा कि वो जो ताजुद्दीन नाम का शख्स है जिसकी ड्यूटी हमने फ़ला फला, फला जगह लगाई थी उसका मामला ऐसा ऐसा है उसका मामला ऐसा ऐसा है तो वो कैप्टन जो हैड था उसने बुला भेजा कि जाओ ताजुद्दीन को बुला कर लेकर आओ और जब बाबा ताजुद्दीन आए तो उसने कहा कि तुम्हारी ड्यूटी फला फला जगह लगाई गई थी मगर हमने तुम्हारे बारे में ऐसा सुना कि तुम वहाँ भी नज़र आते यहाँ भी नजर आते अब जब आपने ये कैफियत सुनी तो आप जलाल में आ गए और जलाल में आने के बाद कुछ कहा नहीं आप वापस पलटे अपनी रूम पे आए रूम पे आने के बाद आपने मिलिट्री की ड्रेस उतारी रिवाल्वर रखा बेड रखा और उसका एक पोटला बनाया और पोटला बनाने के बाद आप वापस उस हेड के केबिन पे आए और वो पोटले को पटक दिया कहा जो राज राज रहना था वो फाश हो गया जो राज, राज रहना था वो फाश हो गया ए बाबूजी ये आपके अल्फाज थे कि अब ताजुद्दीन अब तक दो नौकरी कर रहा था अब इसके बस में दो नौकरी नहीं है या तो ये तुम्हारी नौकरी करेगा या अपने रब की नौकरी करेगा अभी तक ये दो नौकरी कर रहा था मगर अब तुम्हारी नौकरी पे मैं रब की नौकरी को फोकियत देता हूं ये तुम्हारा सामान पकड़ो अब मैं रब की नौकरी करने के लिए जा रहा हूं और आप वहां से फिर जंगलों में निकल गए और जंगलों में कई साल रहे आप और जब वहाँ से आप आए ना तो आपका मामला ये था कि पूरी मजलूबियत आप पर तारी हो गई और तारी होने के बाद यह रहा कि कभी आप बेलिबास घूमते कभी आप बरहाना घूमते तो लोगों ने आपको पागल समझ लिया आपको मजनून समझ लिया मगर उसके बाद यह हुआ कि ऐसी कई करामत आपसे हुई कि लोगों ने आपको फिर अल्लाह का वली समझ अब एक एक करामत गिनाऊंगा तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा कभी ऐसा होता कि आप जंगल की तरफ जाते और शेर को आवाज लगाते तो शेर आपकी बारगाह में आ जाता और फिर उसमें बैठ कर आप कामटी के रोटों में सैर करते और लोग आपको देखते कि ये फला जिसको हम मजून पागल समझते हैं ये शेर की सवारी कर रहा है ये शेर की सवारी कर रहा है तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों का हजूम आपके पास लगने लगा और लोग आपके पास हम वक्त रहते तो मजहुब का मामला ये कि वो तनहाई पसंद करता है तो अब लोगों का हजुम लगने लगा तो आप क्या हो करते कभी कभी आप इनसे छुटकारा पाने के लिए जंगलों में चले जाते तो लोगों की भीड़ आपके पीछे भी जंगल में भी चली जाती तो तारीख निगाह लिखते हैं कि जंगल में जाने के बाद आप गायब हो जाते तो लोग वहीं खड़े रहते कि जहां से गायब हुए वहीं आएंगे वहीं आएंगे तो कई कई दिन खड़े रहते तो फिर बाबा ताजुद्दीन वहां जलवा अफरोज होते तो फिर आपके पीछे लग जाते तो फिर आपने एक हीला बहाना अपनाया लोग कहते कि उस वक्त के जो अंग्रेज ने आपको पागल मजनू समझ कर जेल में डाल दिया था मगर ऐसा नहीं है आपने खुद अपने आप को पागल खाने में दाखिल करवाया था और कैसे करवाया था उस जमाने में जो अंग्रेजों की लेडीज मस्तूरात हुआ करती थी उनका एक क्लब था जहाँ टेनिस खेला करते थे तो अब एक दिन गए वहां पर और बरहाना अंदर चले गए कपड़े उतार के तो वहां पर जेंट्सों का जाना मना था आप बरहाना एक तो गए और बरहाना चले गए तो इस जुर्म में आपको पागल खाने में डाल दिया गया ऐसे नहीं डाला आपको जंजीरों में जकड़कर और मोटा ताला लगाकर आपको जेल खाने में बंद कर दिया गया मगर तारिक निगान लिखते हैं कि जेल खाने में बंद होने के बाद भी कभी आप कामटी में नजर आते कभी आप शक्कर में नजर आते कभी आप सदर में नजर आते और फिर जाके देखो तो जेल खाने में भी रहते हो जेल खाने में भी नजर आते तो आपने 16 साल पागल खाने में गुजारा है सोलह साल मगर वहां भी मामला यह रहता कि वहां भी लोग आपकी जियारत के लिए जाते और जब अंग्रेजों वा, ने देखा कि इतने जियारत करने के लिए आ रहे हैं तो क्या कर दिया कि दो आने की टिकट रख दी उसने दो आने की टिकट और उससे कमाई करने लगी कि दो आने की टिकट लो फिर जियारत करो बाबा ताजुद्दीन की तो ये आपकी शख्सियत को अंग्रेज भी जान गए थे फिर एक मामला ऐसा आया कि वो जो नागपुर का राजा था उसका नाम था राजा रघु राव राजा रघु राव ये राजा कहलाता नागपुर का उसका उसकी महल में एक मामला ये हुआ कि उसका बेटा था विनायक राव और उसकी बीबी को होने वाला था बच्चा मगर उस वक्त में जब चेकअप हुआ चेक कराया गया उस वक्त में जो भी मशीन हुआ करती या दाइया हुआ करती थी तो उन्होंने ये खबर दी कि बच्चा पेट में मर गया बच्चा पेट में मर गया अब वो जो खुशियाँ आने वाली थी जो वारिस आने वाला था राजा के घर पे मातम में बदल गया जो अब, अब वरना माँ की जान की भी बनाएगी मगर जो रघुराव की बीवी थी कहा हमारे रिवाज में ऐसा नहीं चलता है कि पेट काटा जाए का मरती है तो मर जाए हम पेट काटने की इजाजत नहीं देंगे बच्चा मर गया मातम दूसरी उसकी माँ पर भी मामला बनाया कि जान जाने का खतरा है तो उस जमाने में जो रघु राय का ड्राइवर हुआ करता था वो मुसलमान था तो कहा हुजूर अगर ये मातम आप खुशिया में बदलना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुजुर्ग की बारगाह में लेके चलता हूं जब आप वहां पर जो उम्मीद और जो मुराद लेकर जाओगे मैं गारंटी देता हूं कि वो मुराद आपकी पूरी हो जाएगी तो सुबह सुबह वो रघु राव बाबा मैं यकीन नहीं रखता था मगर ड्राइवर के कहने पे चला गया अब जब गया है ना वहां पर तो भीड़ लगी हुई थी तो का इंतजार करो अब आइए जब रब अपना वली बनाता है तो वो राजा जिससे मिलने के लिए रियाया घंटों इंतजार करती थी वो राजा जिससे मिलने के लिए लोग तरसते थे आज वो एक फकीर की चौखट पे खड़ा है कि मुझे मोहलत मिल जाए तो मैं मुलाकात करूं मैं मुलाकात करूं इसलिए किसी शायर ने कहा है कि हाथ बांधे यूं ही चुपचाप खड़े रहते हैं मगर जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं और ऐसे बुजुर्गों से मिलता है हमारा शजरा जिनकी चौखट पे कई ताज पड़े रहते हैं की, दारे दारा। दारे दारा। दारे दारा। वो ताजवर नागपुर का जिसके सर पे ताज था वो आज अपने ताज को लेकर फकीर की चौखट पे जा रहा है मुराद लेकर जा रहा है अब जब नंबर आया है तो वो ड्राइवर कहता है कि अरे राजा कुछ बोलना नहीं वहां जाकर बस कदम पकड़ लेना बोलने की जरूरत नहीं है अब बाबा को पता नहीं है किस मुराद से आया है क्या चीज लेकर आया है मगर एक बात कहना चाहता हूं अकीदे की लोग मेरे नबी के अकीदे पे मेरे नबी के इल्म गैब पर अकीदा ढूंढते हैं कि मेरे नबी को इम गैब नहीं था यहाँ रब कायनात ने बाबा ताजुद्दीन को यह इल्म गैब अता फरमाया था कि दिलों के हालों को जान लिया करते ड्राइवर ने कहा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कदम पकड़ लेना तो जैसे ही राजा गया कदम पकड़ लिया तो आपका एक तकिया कलाम तक रहा हाउ जी सरकार बाबा ताजुद्दीन के हाउ जी एक बादशाह एक राजा फकीर की चौखट पर एक राजा फकीर की चौखट पर तो कहा आ गया है तो सुन जा वापस खुशिया मना सहनाइया बजा तेरे घर में तेरा पोता आया है क्या कहा खुशिया मना सहनाइया बजा जा तेरे घर में पोता आया इतना कह दिया चले गए वो बादशाह जब घर पहुंचाए तो देखा सहनाइया बज रही है लोग खुशी मना रहे हैं और फिर कहने वाले ने कहा

तो उसको देखते ही अल्लाह के वली को बड़ा तशद देखने के बाद उसे परेशानी लाइक होती है उसे गम लाहिक होता है है और जब वो उसको देखता है ना तो परेशान हो जाता है और जब परेशान होता है तो रब की बारगाह में अर्ज करता है।, मौला, ये जो आया है ये सुन्नत मुस्तफ़ा को तर्क कर, कर आया है तेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी कर, कर आया है ये जब मेरी बारगाह में आया है तो ये जब तक मेरी बारगाह में रहेगा मुझे परेशानी होती रहेगी मुझे परेशानी होती रहेगी तो मौला ये जो मांग रहा है इसे दे दे और क्यों दे दे ताकि जब इसे मिल जाएगा तो ये फौरन चला जाएगा तो इसलिए दे दिया जाता और वो जो फांसी को फाजिर जाता है ना वो मांगता भी क्या है दुनिया मांगता है क्या मांगता है मौला पैसा दे दे बड़ी बिल्डिंग दे दे गाड़ी दे दे यही तो मांगता है ना यही तो मांगता है तो अल्लाह मौला इसे दे दे जो मांग रहा है इसे दे दे तो ये फांसी को फाजिर जाता है तो इसे मिलता है मगर जब तू जाता है तो जिसकी बारगाह में जा रहा है वो सुन्नत का पैकर जिसकी बारगाह में जा रहा है उसने ज़िंदगी कभी अहकाम खुदाबंदी को पामाल कहीं नहीं किया जिसकी बारगाह में जा रहा है उसने कभी सरकार दो आलम की सुन्नतों को तर्क नहीं किया सारी जिंदगी उसने दीन की राह में गुजार दी दीन के अहकाम में गुजार दी अब तब जो जा रहा है उसकी बारगाह में तो ऐसा जा रहा है कि सारे दीन को बरा ताक रख कर बारगाह में जा रहा है और फिर मांग रहा है

शरीयत पर चलते हुए जाता है अहकाम खुदाबंदी को करते हुए जाता है सुन्नत मुस्तफ़ा को चेहरे में सजा कर जाता है और जब वो बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में जाता है और तो जाने के बाद वही वही शख्सियत है अब रब की बारगाह में थी मौला ये जो मांग रहा है इसे देना मगर फौरन ना देना तवज्जो कभी नेकोकार आजमाना कि जो नेकोकार होते हैं उनको जल्दी से नहीं मिलता है बदकार को बहुत जल्दी मिल जाता है तो इसकी वजह मैंने बता दिया क्यों मिलता है वहां से धुतकारे जाते हैं भगाए जाते हैं मगर जो नेकोकार होता है उसे लेट मिलता है जल्दी से नहीं मिलता और क्यों नहीं मिलता इसकी वजह है कि वो जो साहिब मजार होता है ना वो रब की बारगाह में कहता है मौला ये जिस नीयत के साथ आया है जिस इरादे के साथ आया है इसकी नीयत इस